Good morning. This is Aftab from alfaadhi Securities with today's morning briefing session. कल केसी 100 इंडेक्स में 128 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था, जिसका मेन रीजन कट ऑफ यील्ड्स में डिक्लाइन था. मार्केट की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रही, उसका मेन रीजन अगेन इंक्रीजिंग कोविड केसेस और हायर कमोडिटी प्राइसेस थी. कल टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 173.6 मिलियन शेयर्स का था, वर्थ 6.6 बिलियन रुपीज़. कल जिन शेयर्स में सबसे ज़्यादा काम हुआ था उसमें टीआरजी, हम नेटवर्क और यूनिटी शामिल है. कोविड के न्यू केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में वो अप्रॉक्सीमेटली 8200 हैं, और इसके साथ साथ हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो 11.9% पे पहुँच गया है. इसका इम्पैक्ट जो है हमारी स्टॉक मार्केट पे आना शुरू हो गया है. बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, सिंध गवर्नमेंट जो है उसने कराची में एक वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करने की प्लान किया है डोर टू डोर, और 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ये ड्राइव की जाएगी, जिसमें बेसिकली मकसद ये है कि वैक्सीनेशन कवरेज को इंक्रीज किया जाए, जिससे हमें लगता है कि आगे जाके केसेस में कमी देखने को मिले. इसके अलावा SBP ने फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर्स इशू किए थे, जिसमें तकरीबन 879 मिलियन डॉलर्स की कमी देखी गई है ड्यूरिंग द वीक एंडिंग जनवरी 21st. और अगर पिछले तीन हफ्तों की हम बात करें तो उसमें तकरीबन 1.54 बिलियन डॉलर्स का डिक्लाइन देखा गया है फॉरेक्स रिजर्व्स में. इसका मेन रीज़न डेट सर्विसिंग है. इसके अलावा गवर्नमेंट ने PIBs के थ्रू तकरीबन 133.5 बिलियन रेज किए हैं, जिसमें 3 साल 5 साल और 10 साल की यील्ड में कमी देखी गई है अप टू 71 से लेके 79 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखी गई है. ब्रेंट जो है वो तकरीबन 89.6 डॉलर्स पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है, और इसके साथ साथ कोल जो है वो अभी भी 174.9 पर डॉलर्स पर टन के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ कंसर्निंग फॉर सीमेंट सेक्टर. मार्केट हमें लगता है कि अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगी, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी मार्केट में होती है तो वो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर कर देती है और सस्टेन नहीं कर पाती मार्केट ऊपर. हमें ये लगता है कि IMF का प्रोग्राम जब रिवाइव हो जाएगा उसके बाद हाइयर वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे मार्केट में, और आगे जाके जब फॉरेन इन्फ्लोज आएंगे मार्केट में तो उसकी वजह से जो है मार्केट की ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी. This is it for today. अगर आपके कोई सजेशन है, फीडबैक है तो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.